आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट मोहनथाल की रेसिपी, जिसे खास करके जन्माष्टमी में बनाया जाता है। मोहनथाल तो हर घर में बनाया जाता है, पर किसी का मोहनथाल हार्ड हो जाता है, किसी का जमता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी दानेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसे मुंह में डालते ही पिघल जाए, ऐसा मोहनथाल बनाने की मैं आज आपको एक खास टिप्स और ट्रिक बताऊंगी। ये देखिए हमारा मोहनथाल कितना दानेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। तो चलिए बनाते हैं मोहनथाल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार, मैं हूँ संगीता बसोया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहनथाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दरदरा पिसा हुआ बेसन लिया है, जिसे हम छान लेंगे। बेसन को छान के अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और इसमें जो गुठली है वो भी निकल जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने दरदरे पिसे बेसन को अच्छी तरह से छान के साफ कर लिया है। अब हम आटे में मोल लगाएंगे, जिसे धाबा देना भी बोलते हैं। मोन देने के लिए पैन में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी गरम करेंगे। घी गरम होते ही 1/2 कप जितना घी में दूध डालेंगे। घी और दूध को मिलाते हुए अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। घी और दूध अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने जो बेसन का आटा छान के रखा था, उसमें गरम किया हुआ घी और दूध डालेंगे। घी और दूध गर्म है, इसलिए हम इसे एक बार चम्मच से मिला लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह से हम आटे में घी और दूध को मिलाएंगे। इस तरह से हाथों में घसते हुए अच्छी तरह से आटे में मोन लगा लेंगे। आटे में जो घी और दूध की गुठलियाँ बनी है, इस तरह से हाथों से मसलते इसे तोड़ देंगे। बेसन में अच्छी तरह से मोन लगाने के बाद आटे को हम इस तरह से दबा के 1/2 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटे में अच्छी तरह से मोन लग गया है, अब हम आटे को छान लेंगे। आटे को अच्छी तरह से छान लेंगे। मोन दिए हुए आटे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। मोन देने से जो आटे में गुठली बनी है उसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। छाने बगैर मोहनथाल बनाने से आटे की जो गुठलियाँ हैं घी में सेकते समय अंदर से कच्ची रह जाती है और मोहनथाल अच्छा बनता नहीं है, इसलिए इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। मोन दिए हुए आटे को छानने में थोड़ा समय लगता है। आटा छानते समय जो आटे में गुठली है वो इसे फिर से हाथों से मसलते हुए इसे अच्छी तरह से छान ले। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आटे को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम आटे को घी में अच्छी तरह से सेक लेंगे। आटा हमने 500 ग्राम लिया था, इसलिए आटे को सेकने के लिए घी भी हम 500 ग्राम ही लेंगे। मोहनथाल बनाने का ये खास तरीका है, जितना आपका आटा हो उतना ही आप घी ले। घी गर्म होने के बाद हमने जो आटा छान के रखा था मोन दिया हुआ वो इसमें डाल देंगे। घी में आटे को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटे को हमें धीमी आंच पे ही सेकना है, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। आटे को हमें मीडियम आंच पे भूनना है, करीबन 15 से 20 मिनट से भूनने में लगते हैं। आटे को सेकते समय हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आटा कहीं से जले नहीं, इसलिए चारों ओर से चलाते हुए सेकेंगे। आटे को हम जैसे जैसे सेकते जाएंगे वैसे वैसे आटे में से घी बाहर निकलता जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आटे को भूनने लगे वैसे ही आटे में से घी फूट के बाहर निकल रहा है। आटा सेकते समय अगर आपको लग रहा है कि घी बाहर नहीं फूट के निकल रहा है, तो आप ऊपर से थोड़ा घी और डाल सकते हो। आटा सेकते समय हम जरा भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मोहनथाल का आटा सेकने में 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं, इसलिए गैस की आंच को हम धीमी रख के आटा सेकेंगे। आटा सेकते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि आटा नीचे से जले नहीं। आटे को लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे थोड़ी देर और सेकेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से दानेदार हो गया है, इसमें से घी बाहर फूट रहा है। आटा सेकते समय ये बात का खास ध्यान रखेंगे कि आटा नीचे से जल के काला ना हो जाए, इस बात का खास ध्यान रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से भून गया है, आटे में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम गैस को बंद करके चाशनी बना लेते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम शक्कर ली है,
मोन्थन बनाने के लिए हमने आटा 500 ग्राम लिया है, घी 500 ग्राम लिया, और चाशनी बनाने के लिए शक्कर भी हम 500 ग्राम ही लेंगे। 500 ग्राम शक्कर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में शक्कर डूबे उतना पानी डाल देंगे। चाशनी को पकाने के लिए गैस की आंच को फुल करके इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। चाशनी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, हम इसे फुल आंच पे लगातार चलाते रहेंगे। मोहन थाल में डालने के लिए चाशनी हमें एक तार की बनानी है, इसलिए लगातार इसे फुल आंच पे चलाते रहेंगे और चाशनी को पका लेंगे अच्छी तरह से। मोहन थाल की चाशनी बनाने का ये खास मेजरमेंट है कि आप कढ़ाई में जितनी शक्कर डालें, शक्कर डूबे उतना ही पानी डालें। चाशनी हमारी अच्छी तरह से उबल गई है। चाशनी को चेक करने के लिए एक बर्तन में एक बूंद जितनी चाशनी डालेंगे। चाशनी चेक करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप चाशनी चेक करें तब अलग बर्तन में लेके ही चेक करें। गर्म चाशनी उंगली में चिपक जाती है और उंगली जल जाती है, इसलिए चाशनी हमेशा अलग लेके ही चेक करें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी हमारे एक तार के बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं चाशनी में से एक तार बन रहा है। ऐसी ही चाशनी हमें मोहन थाल बनाने के लिए चाहिए थी। गर्मा गर्म चाशनी को अब हम सेके हुए आटे में डालेंगे। चाशनी डालने से पहले सेके हुए आटे को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें गर्मा गर्म चाशनी डालेंगे। चाशनी और बेसन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद मोहन थाल हमारा इसे पतला ही रहना चाहिए। जैसे हम इसे मिलाते रहेंगे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मोहन थाल अभी पतला है, इसका मतलब कि हमारा मोहन थाल एकदम परफेक्ट बना है। बेसन में चाशनी डालने के बाद अगर आपका मोहन थाल सूखा बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके भी डाल सकते हो। दूध डालने के बाद आपका मोहन थाल फिर से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। मोहन थाल हमारा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मोहन थाल जमाने के लिए अब हम एक ट्रे लेंगे। ट्रे में चारों ओर से घी लगा लेंगे। ट्रे में घी लगाने से मोहन थाल ट्रे में चिपकता नहीं। घी लगाने के बाद मोहन थाल अब हम ट्रे में डालेंगे। मोहन थाल को हम ट्रे में इस तरह से चारों ओर फैला देंगे। मोहन थाल बर्फी की साइज आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे फैलाएं। अभी ये गर्म है, हम जैसा चाहे इसे फैला सकते हैं। ठंडा होने के बाद मोहन थाल जम जाता है, इसलिए हम मोहन थाल को गर्म है तभी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। साइड से भी हम इसे इस तरह से दबा लेंगे ताकि हमारे जो मोहन थाल की बर्फी है वो एक जैसी बने। अब हम मोहन थाल को बादाम के टुकड़ों से गार्निश करेंगे। बादाम के टुकड़ों को मोहन थाल में गर्म हो तभी डालें ताकि बादाम के टुकड़े अच्छी तरह से मोहन थाल में चिपक जाए। बादाम डालने के बाद एक डिश लेंगे, डिश के ऊपर घी लगा लेंगे। डिश से मोहन थाल के ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। मोहन थाल के ऊपर हमने जो बादाम के टुकड़े डाले वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, इसलिए इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। मोहन थाल को हम ज़्यादा दबाते हुए चिकना नहीं करेंगे। मोहन थाल दानेदार ही होता है और खाने में अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मोहन थाल में से घी फुटके बाहर निकल रहा है। मोहन थाल की बर्फी बनाने के लिए, इसे सेट होने के लिए हम 5 से 6 घंटा इसे छोड़ देंगे। आपका मोहन थाल ठंडा होने के बाद में भी नहीं जम रहा है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हो। 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं मोहन थाल को हमने काट के इस तरह से बर्फी बना ली है। आप देख सकते हैं हमारा मोहन थाल बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और दानेदार बना है। तो फ्रेंड्स, मेरे दिए हुए तरीके से आप एक बार मोहन थाल घर पर बना के ज़रूर देखें। आपका मोहन थाल कैसे बना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।